आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया गोरखपुर दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का शुभारंभ। 11 दिसंबर से एक घंटे का होगा भोजपुरी कार्यक्रमों का प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार व नेपाल के लोगों को भी मिलेगा अर्थ स्टेशन का लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर महापौर सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, देश के विकास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा निकाला गया मतदाता जागरूकता रैली। 18 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को मतदाता बनने के लिए किया गया जागरूक। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 270 केंद्रों पर कुल 29,076 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 6,683 और द्वितीय डोज लेने वालों में 22,393 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के साप्ताहिक संस्थापक समारोह का 4 दिसंबर को होगा शुभारंभ। तैयारियां पूरी, निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी में दिव्यांगजनों द्वारा म्यूजिकल चेयर व नृत्य प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत।